इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से आ रही है खबर, जहां पर फिर से बस में छेड़छाड़ की घटना सामने आ रही है। मुक्तसर में दो बहनों के साथ एक प्राइवेट बस में छेड़छाड़ की वारदात हुई है। विरोध करने पर कंडक्टर ने दोनों बहनों को बस से उतार दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के मुक्तसर से, जहां एक बार फिर से प्राइवेट बस में लड़कियों से छेड़छाड़ हुई। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो दोनों बहनों को बस से नीचे उतार दिया गया। चलती प्राइवेट बस में छेड़छाड़ करने की कोशिश दो लड़कियों से, और जब इन बहनों ने विरोध किया छेड़छाड़ का तो इन्हें बस से बाहर उतार दिया गया। राम सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह, क्या हुआ वहां पर? जब लड़कियों ने विरोध किया तो जो लोग छेड़छाड़ कर रहे थे उन्हें उतारने की बजाय लड़कियों को ही बस से उतार दिया गया? जी तानिया, बिल्कुल। ये लड़कियां जो मुक्तसर के पास ही गांव पड़ता है इनका, मुक्तसर से 10 किलोमीटर इनका गांव है। ये मुक्तसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में किसी काम से आई थी। दोनों बहनें हैं, सखी बहनें हैं। ये अपना काम निपटा कर जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर से बस में चढ़ी, तो बस में चढ़ते ही जो बस का कंडक्टर था वो इनके साथ जो बदतमीजी करनी शुरू कर दी उसने, और जब लड़कियों ने विरोध किया तो वो गाली गलौज पे उतर आया। बस में और भी सवारियां मौजूद थी लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सिर्फ एक महिला थी जो इन लड़कियों के हक में बोली, लेकिन वो अकेली महिला होने के चलते वो बस और बस का कंडक्टर और ड्राइवर है जो, उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी, लेकिन इन दोनों लड़कियों को बस के नीचे उतार दिया वहीं पे। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो विरोध करने पर कंडक्टर ने दोनों बहनों को बस से उतार दिया। मुक्तसर में प्राइवेट बस में इन लड़कियों से छेड़छाड़ की गई थी।